वेलकम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल PVR स्टडी पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र MD सोनू। स्वागत करता हूं मैं आपके हमारे चैनल पे। आइए देखते हैं एक नए टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने फिर से रूबरू हूं। कैसा रहा क्लास हमारा पिछला, बताइएगा जरूर। पिछली क्लास में हमने देखा था लीवर्स के बारे में, लीवर्स के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड कार्य के बारे में। ये सब चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। लीवर्स में कुछ चीज़ें उसमें लीवर्स के वर्क में छूट गई थी, जिसको मैं यहाँ मेंशन करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लीवर्स जो है एक दिन में कितना 22 जूल हमने बताया था। लीवर्स का मेन वर्क क्या बताया था कि लीवर्स का मेन वर्क होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन करना। हम हमारा टॉपिक था पिछली क्लास में लीवर्स, हमने क्या लिखा था, लीवर्स यानी एकृत के बारे में चल रहा था। ये वन डे में शोर हो रहा है। वन डे में क्या होता भाई, एक दिन में कितना बाइल जूस फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वन डे क्या होता भाई, 600 ml टू 700 ml पर डे। ओके, एक दिन में इतना ये बनाता है। कितना बनाता है, 600 ml से लेके 700 ml तक पर डे बना देता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट था हमारा इसका pH। बाइल जूस का pH कितना हो सकता है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। 7.9 to 8.1 तक हो सकता है। यानी हमने क्या पढ़ा भाई, pH स्केल में 7 ये होता है, 7 पे न्यूट्रल होगा और 7 प्लस जाएगा अगर तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 नेगेटिव हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कैसा रहेगा, 7 प्लस का मतलब क्या होता है, एसिडिक होता है, और इधर हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा। तो कैसा होगा इसका, किस फॉर्म में दिखेगा, बेसिक फॉर्म में। बेसिक फॉर्म का मतलब क्षारीय होता है। चीज़ें क्लियर हुई, क्या होना है बताना है आपको कि हमारा बाइल जूस कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा था एक और स्ट्रक्चर होता है जो ड्यूओडेनम से अटैच होता है भाई। अब ये हमारी क्या होती है, इंटेस्टाइन हो गई। ये मैंने बना दिया हमारा इंटेस्टाइन, ये रही इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। यहीं से हमारा लीवर्स कनेक्ट होता है। ठीक है, ये डक्ट के थ्रू लीवर्स होता है, और यही जो है इसके जस्ट बगल में क्या होती है हमारी एक और लीफ लाइफ स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको हम पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के नाम, पैंक्रियाज के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो होता है पैंक्रियाज, हमारा नेक्स्ट आर्गन होता है पैंक्रियाज। ये भी क्या होती है, पैंक्रियाज, हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे अग्नाशय, अग्नाशय। जनरली क्या होता है अग्नाशय में, क्या होता भाई, ये क्या होती है, एक लीफ लाइप स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, लीफ लाइप स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है बिल्कुल ही। एक सेकंड, मैं थोड़ा लीफ सही बना दूं, ये इसका पिक्चर शेप की बात आती है। अगर पहला पॉइंट आएगा शेप, शेप का मतलब क्या होता है, कैसा होता है, लीफ लाइप, लीफ क्या मतलब पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, पत्ती नुमा होता है। दिखा दूं मैं बना के पत्ती नुमा, ये भाई पत्ती नुमा, इस तरह से कुछ होता है पैंक्रियाज हमारा। ठीक, ये हमारा पैंक्रियाज हो गया, पहला पॉइंट हुआ हमारा। शेप कैसा होता है, पत्ती नुमा होता है। ठीक, क्या होता है, पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कहाँ से जुड़ा होता है, हमारे इंटेस्टाइन के किस पार्ट से जुड़ा होता है, डियोडिनम पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक, क्या क्या रहता है इसके अंदर, क्या काम होता है इसका, पैंक्रियाज कैसा आर्गन होता है, एक पत्ती नुमा आर्गन होता है जिसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, पैंक्रियाटिक जूस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है। चीज़ें क्लियर हुई, क्या पाया जाता है इसमें, दो चीज़ पाई जाती है, एक पैंक्रियाटिक जूस और एक हार्मोन्स पाया जाता है। चीज़ें कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, और पैंक्रियाटिक जूस का क्या वर्क होता है। ठीक, इस सब चीज़ों को मैं बताता चलता हूँ। इसकी खोज किसने की थी, लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट है, लैंगर
हैंड्स। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा लैंगर हेल सेल्स किस में पाई जाती है, तो पैंक्रियाटिक में। इसीलिए इसमें जो है एक टाइप्स की सेल होती है जिसको हम लैंगर हैंड सेल्स के नाम से जानते हैं, लैंगर हैंड्स सेल। कहाँ पाई जाती है? पैंक्रियाज में पाई जाती है। ठीक, अब ये पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होते हैं भाई? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इस सब के बारे में मैं बताता हूं। हार्मोन में कौन सा हार्मोन इसमें होता है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन। क्या बताया भाई मैंने? पैंक्रियाटिक जूस, जिसकी खोज किसने की थी? लैंगर हैंस नामक ने। इसीलिए इसमें लैंगर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? लैंगर सेल्स अभी बताता हूँ कौन सी सेल होती है। और क्या होता है पैंक्रियाटिक जूस? इसमें क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं और एक हार्मोन्स होता है। इसीलिए इसको कैसी ग्लैंड्स कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड। कैसी ग्लैंड्स है ये? मिक्स्ड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाज जो हमारी बॉडीज का कैसा ऑर्गन है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड्स के नाम जाना जाता है। बेसिक चीज। ठीक, अब आप ये जान लीजिए मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं। हमने बताया था हमारे शरीर में दो टाइप्स की ग्लैंड्स होती है, एक इंडोक्राइन और एग्जोक्राइन। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड्स को कहते हैं जो केवल हार्मोन सिक्रीट करती है, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स उस ग्लैंड्स को कहते हैं, एग्जोक्राइन ग्लैंड्स उस ग्लैंड्स से कहते हैं जो हमारे यहाँ कुछ एंजाइम्स और प्लस जूस सिक्रीट करती हैं। चीज़ें क्लियर? बट पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें हार्मोन्स तथा एंजाइम्स दोनों हैं, यानी पैंक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई? कौन कौन सी सेल पाई जाती हैं लैंगर सेल्स में? कौन कौन सी सेल? लैंगर हैंस सेल। कितने टाइप्स की सेल पाई जाती है? अल्फा सेल, सेकंड होती है बीटा सेल, थर्ड होती है डेल्टा। डेल्टा कैसे बनता है भाई? डेल्टा सेल ऐसे बनता है ना, डेल्टा, डेल्टा सेल। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए, इसको डेल्टा सेल कहते हैं। चौथा होती है एफ सेल। चीज़ें क्लियर हुई? कौन कौन सी सेल होती हैं? अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। चार टाइप्स की सेल हमारी पैंक्रियाज में पाई जाती है जिनको हम लैंगर हेल्थ सेल्स के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी सेल पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है भाई? सबसे ज़्यादा, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा बीटा सेल। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रायोरिटी किसको मिलती है? अल्फा सेल सेकंड नंबर पे होती है, तीसरे नंबर पे होती है हमारी गामा सेल, और फोर्थ पे तीसरे क्या है, ये दोनों इक्वल ही होती हैं, दोनों इक्वल। अगर हम परसेंटेज की बात दे दें तो यहाँ 70% लगभग ये पाई जाती है, ये मुझे लगता है 20%, और ये जो है 5% पाई जाती है। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक, अब क्या क्या वर्क होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं पैंक्रियाज में? पैंक्रियाज टिक जूस का पीएच, पैंक्रियाटिक जूस का पीएच कितना होता है? पीएच आप पैंक्रियाटिक पीएच कितना होता है पैंक्रियाटिक जूस का? कितना पीएच होगा इसका? 8.3। ठीक है, क्या होता है? 8.3 पीएच होता है। किसका होता है? पैंक्रियाज का, पैंक्रियाटिक जूस का। जूस का यानी ये किस मीडियम में होता है? बेसिक मीडियम में। चीजें क्लियर हो? हमने क्या बताया? पैंक्रियाज में जो है हमारे तीन टाइप्स के सेल्स पाई जाती हैं जिनको लैंगर, चार टाइप के लैंगर सेल्स नाम जाता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। ठीक, सबसे ज्यादा 70% हमारी बीटा सेल्स होती हैं, 20% हमारी अल्फा सेल होती है, डेल्टा सेल हमारी 5% और एफ सेल हमारी 5%। अगला पॉइंट आता है इसका पीएच कितना होता है, तो 8.3 जो है इसका पीएच होता है, यानी ये किस फॉर्म में होगा? बेसिक फॉर्म में होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। ठीक, तो पैंक्रियाज के बारे में मैंने सारी जो भी एग्जाम रिलेटेड चीज़ें थी सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दिया। अब एक पॉइंट और आएगा आपको कि वन डे में कितना पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, तो एक डे में कितना निकलता है?
वन डे में लीटर्स में आती है वैल्यू, वन लीटर टू 15 डे, ठीक। पर डे जो है हमारा पैंक्रियाज एक से लेकर 1.5 लीटर तक पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा सबको। आइए अब इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, हार्मोन्स तथा पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या पाए जाते हैं भाई, एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम है इसमें, एंजाइम्स, ठीक, कौन कौन से पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, ठीक। तो थ्री टाइप्स के एंजाइम होते हैं। कौन कौन होता है, पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, चौथा होता है एमाइलेज, ठीक। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तीन एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पैंक्रियाटिक जूस में, और क्या काम करते हैं भाई, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, हमारी फूड्स पार्टिकल को जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। चीज़ें क्लियर हुआ। अब आता है कि ये बाइल्स जूस और एंजाइम्स कैसे काम करेंगे, थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर कर दूँ, फिर फाइनली आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन क्लियर हो जाएगा। लीवर्स में क्या होता है भाई, हमने क्या बताया, बाइल जूस होता है। किस कलर का होता है बाइल जूस, सबसे बड़ी बात ये जाननी जरूरी है आपको। कलर कैसा होता है बाइल जूस का, तो ग्रीन कलर का। कैसा होता है बाइल जूस का कलर, बाइल जूस कलर कितना, कलर होता है कैसा, क्या होता है, ग्रीन कलर। याद करो हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो हमने बताया था कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कलरिंग पिगमेंट होते हैं। और यहाँ कौन सा पिगमेंट है, बिली वर्डिन, जिसकी वजह से हमारा बाइल जूस किस कलर का होता है, किस कलर का होता है भाई, ग्रीन कलर का, मतलब हर एक रंग का होता है। एक और पिगमेंट होता है उसका नाम होता है बिली रूबेन। ये किसके लिए जिम्मेदार होता है, येलो, लाइट येलो के लिए होता है। और लाइट येलो कलर किसके, किसका होता है, हमारे प्लाज्मा का कलर किस कलर का होता है, येलो कलर का। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाए थे तो ये सब चीज़ें आपको बताया था। एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, अगर यही कलर, यानी जब हमारे शरीर में क्या होता है, ये प्लाज्मा जो है ज़्यादा येलो हो जाएगा, यानी ब्ली रूबिन ज़्यादा बनने लगेगी, तो क्या होता है, तब हमें पता चल जाता है कि आदमी को क्या हो गया है, ज्वाइंडिस हो गया है। उस ज्वाइंडिस में क्या होता है, ज्वाइंडिस किस वजह से होता है, तो आपका ऑप्शन होगा कि हमारी बॉडी में या हमारी प्लाज्मा में किसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, ब्ली रूबिन का। चीज़ें क्लियर हुई। बाइल जूस का कलर किसके वजह से, ग्रीन कलर होता है, किसकी वजह से, ब्ली रूबिन के कलर वजह से, ठीक। ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं किसमें, बिलीरुबिन में और बिलीवर्डे में। चीज़ें क्लियर हुई। अगर किसी भी आदमी को, किसी भी पेशेंट को क्या हो गया, ज्वाइंडिस हो गया है, यानी उसके अंदर क्या हो गया, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो गया है, और उसका ब्लड्स कैसा होगा, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है, और प्लाज्मा जो होता है बिलीरुबिन की वजह से येलो कलर का होता है, यानी हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाएगा तो प्लाज्मा जो है येलो हो जाएगा, इससे आंखें पीली हो सकती हैं और हमारे नेल्स भी पीले हो जाते हैं, ठीक। यही होते हैं सिम्टम किसके, ज्वाइंडिस के, ठीक, ज्वाइंडिस के ये सारे सिम्टम्स होते हैं। चलिए आते हैं हम अपने पॉइंट्स पे। हमने एंजाइम्स के बारे में बता दिया बाइल जूस का, अब वर्क क्या होता है बाइल जूस का। बाइल जूस जो है क्या करता है, जो हमारे फैट्स होते हैं, फैट्स को क्या कर देता है, ये फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, कौन सी प्रोसेस होती है उसको, किस प्रोसेस में कहा जाता है, यानी ये बड़ी बड़ी बूंदे हैं, किसकी बूंदे हैं भाई,
वाटर की, घी की, मक्खन जो भी हम लोग खा रहे हैं इसको चेंज कर दे रही हैं बाय वाइल्स, जो हमारी बाइल जूस है किसमें चेंज कर दे रही हैं, छोटे छोटे ऐसे बूंदों में कन्वर्ट कर दे रही हैं, छोटे छोटे बूंद्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भैया, इमल्सीफिकेशन, इमल्सीफिकेशन हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, पाइसीकरण, पाइसीकरण। तो आपको जानना चाहिए कि ये पाइसीकरण की प्रक्रिया कौन करता है, तो हमारा लीवर्स करता है, लीवर्स के थ्रू होता है। कैसे होता है, लीवर्स में हमारे बाइल्स जूल रहते हैं, वो बाइल्स जूल्स क्या होते हैं, हमारे फैट्स को छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सीफिकेशन, यानी क्या कहता है, क्या कहलाता है ये इमल्सीफिकेशन, क्या होती है भाई, इसी को हम नाम देते हैं इमल्सीफिकेशन को, पाइसीकरण, हिंदी मीडियम वाले पाइसीकरण। पाइसीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे जो है फैट्स का मतलब क्या होता है भाई, वसी मालिक्यूल को छोटे छोटे वसी मालिक्यूल में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाइसीकरण, हिंदी मीडियम वाले ये लिख लेंगे। चीज़ें क्लियर हुई, चलिए आगे आते हैं हम लोग। तब जब ये इमल्सीफिकेशन हो गया तो इसके बाद क्या होता है, फाइनली जो हमारा बाइल जूस या पैंक्रियाटिक जूस होता है ये कहाँ जाता है, ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, इसको मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, डियोडिनम वाला पार्ट्स, डियोडिनम, किसका डियोडिनम है ये, ये डियोडिनम किसका पार्ट होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो यहाँ पर हमारी लीवर्स, ये हमारा लीवर्स रहेगा, ठीक, ये लीवर्स इससे अटैच रहता है, और यहाँ पर छोटा सा गाल ब्लैडर, ठीक, लीवर्स इससे अटैच होता है, यहीं से बाइल जूस आता रहता है डियोडिनम वाले पार्ट्स में, और यहीं पर क्या होती है साइड्स में, यहाँ पर आप मान लीजिए इसको ये हमारा पैंक्रियाटिक जूस लगा हुआ है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये आर्टगन इसी से अटैच होते हैं, ये वाला पार्ट्स हमारा होता है डियोडिनम, तो जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें आता रहता है, और ये बाइल जूस इसमें आएगा, फिर ये एमल्सीफाई करेगा किसको, फैट्स को। आइए देखते हैं हम लोग जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन ये क्या होता है, एंजाइम्स होता है, और ये एंजाइम्स का वर्क क्या होता है भाई, ट्रिप्सिन एंजाइम्स किसको तोड़ता है, पी फॉर क्या होता है, पी से आप नोट करिएगा, प्रोटीन को किस में चेंज कर देगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को किस में चेंज कर देता है, तो उसका नाम होता है हमारा अमीनो एसिड में, ठीक है, कितना परसेंट हो जाता है, 100%, ओके, क्लियर हुआ, हमारा डाइजेशन 100% क्लियर हुआ। दूसरा होता हमारे पास, है लाइपेज का मतलब होता है भाई, लाइपेज का मतलब होता है एल फॉर लिपिड, यानी ये लिपिड्स यानी किसको चेंज करता है, जो हमारा एमल्सीफाइड फैटी एसिड है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कर देगा ग्रिसरॉल में चेंज हो जाता है, ठीक। अब हमारा जो लास्ट बचता है वो होता है एमाइलेज एंजाइम्स जो होता है, हमने याद करिए, हमने बताया था कि कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमारे माउथ्स में नहीं होता है, ये कितने परसेंट कर देता है, 100%। तो यहाँ पर एमाइलेज किसको किसमें कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ठीक, 100%। चीज़ें क्लियर हुई,
ट्रिप्सिन हमारा किसको चेंज करता है भाई, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है जिसको हमारी सेल डायरेक्टली कंज्यूम करती हैं। लाइपेज नामक एंजाइम्स होता है, लाइपेज को आप लिख लेंगे LEYPEAS लाइपेज। फैटी एसिड्स को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लिसराल में। ए फैटी एसिड कहाँ मिल गया था, फैट से, किसके थ्रू, एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिर फाइनली ये ग्लिसराल में चेंज हो जाता है। एमाइलेज होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस ग्लाइकोजन में, ठीक। और इसी तरह हमारा डियोडिनम में हमारा कंप्लीट जो है 100% डाइजेशन, जो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैं ये बता दूं आपको, पूछा जाएगा आपसे कि हमारा जो है पैंक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सिक्रेट होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए डियोडिनम। हमारा जो है इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस किस पार्ट में होती है, तो आप बताएंगे इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस विद इन द हेल्प ऑफ बाइल जूस कहाँ पर हो जाती है, ये डियोडिनम वाले पार्ट्स में हो जाते हैं इंटेस्टाइन के। चीज़ें क्लियर हुई। कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, तीन टाइप्स के एंजाइम्स के बारे में मैंने बताया, कौन सा भाई, ट्रिप्सिन बताया, लाइपेज बताया और एमाइलेज बताया। व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का क्या कार्य होता है, ट्रिप्सिन जो है किसको चेंज करता है, ट्रिप्सिन टी का मतलब पी से आप सेंस लगा देंगे, यानी उसमें पी होता है, पी का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन किस में बदल जाता है भाई, हमारा अमीनो एसिड में 100%, ठीक है। इसके बाद हमारा लाइपेज आता है, लाइपेज का मतलब होता है फैटी एसिड, किसको कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड, यानी हमारे फैटी एसिड कहाँ से मिला था, फैट से, किसके थ्रू, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाता है, ग्लिसरॉल में, ओके। अगला चीज होता है हमारे पास एक और एंजाइम होता है एमाइलेज, एमाइलेज किसको तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, और किस में तोड़ देता है एमाइलेज, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन में, ठीक। तो ठीक इसी तरह जो है ये हमारा कंप्लीट जो है डाइजेशन का पार्ट फिनिश होता है। अभी हम लोगों ने कहाँ तक देखा है डाइजेशन, यानी कि हम डाइजेशन कंप्लीट किए हैं डियोडिनम में। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जेजुनम, इंटेस्टाइन का अगला पार्ट होगा जेजुनम, और नेक्स्ट पार्ट होगा उसके बाद इलियम। तो क्या काम और क्या फंक्शन होते हैं जेजुनम और इलियम का, देखेंगे हम इसको अगले वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।